जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका लॉकिंग मैकेनिज्म है, इससे आप इसकी मूवमेंट ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा लॉकिंग मैकेनिज्म नीचे होता है, ये खुलने के बाद आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाले से ही आपका काम हो जाएगा। लॉक करने के बाद इसकी मूवमेंट नहीं होगी। अनलॉक के बाद आप इसे अपने हिसाब से टाइट या ढीला कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपका हाथ चले, जिस हिसाब से आपको स्मूथनेस चाहिए इसके अंदर। और इसका क्विक डेमोंस्ट्रेशन दिखा देते हैं। ये आपकी डिस्प्ले है, इस तरीके से आंखें इसमें प्रेजेंट होंगी और आप जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक रीडिंग लेता है, 3 क्लिक्स में इसकी रीडिंग आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका स्फेरिकल 1.50 है प्लस में,